तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है एल्गोरिदम्स का, ओके, हैकर रैंक के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला है कि हम एक सॉल्व मी फर्स्ट का एक फंक्शन बनाएं, और इस फंक्शन की फंक्शनलिटी क्या होनी चाहिए। इस फंक्शन की फंक्शनलिटी ये होनी चाहिए कि इसके अंदर अगर हम ए वैल्यू दे और बी वैल्यू दे, तो इस ये इन दोनों का एडिशन करके हमें सम दे दे जो भी होगा। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी और चीज़ें बता रखी है कि फंक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, कि भाई ए के अंदर पहली वैल्यू आनी चाहिए और बी के अंदर सेकंड वैल्यू आनी चाहिए, और रिटर्न जो स्टेटमेंट जो है वो इन दोनों का सम दे, जो कि ऊपर मैंने बताया वही चीज़ है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। कंस्ट्रेंट ये है कि भाई ए की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और बी की वैल्यू जो है वो 1000 से कम होनी चाहिए, कम और इक्वल टू होनी चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि अगर हम ए की वैल्यू 2 दे और बी की वैल्यू 3 दे, और इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाए तो हमारा आउटपुट 5 आना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, ठीक है, पहले से ही करके मैं बैठा था, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बट इस कोड को समझाने से पहले ना, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, और इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत काम आएगी। मान लो आप एक इंसान हो, जो कि आप हो, कैसे हो मुझे नहीं पता, पर हो। आपने क्या डिसाइड करा कि मैं जाऊँगा रिलायंस फ्रेश के अंदर, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप सब्जी मंडी से नहीं, आप रिलायंस फ्रेश से सब्जियाँ लेते हो। ओके, आप जाओगे रिलायंस फ्रेश के अंदर, आपने यहाँ पे टमाटर आलू, चलो सिर्फ टमाटर और आलू लेने गए हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका कैशियर वाले भैया, जो कि क्या करेंगे, आपका बिल बनाएंगे, राइट। कैशियर वाले भैया के स्पाइकी बाल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए ढूंढ 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 करते हुए, आपने आलू ले लिए और टमाटर ले लिए, आलू टमाटर ले गए, आप इनके पास पहुँचे, कैशियर वाले भैया के पास। कैशियर वाले भैया ने आपसे बोला कि आपने क्या क्या लिया, तो आपने बोला मैंने आधे किलो टमाटर लिए हैं और आधे किलो आलू लिए। सबसे पहले कैशियर वाले भैया क्या करेंगे, जितना आलू आधा किलो टमाटर के पैसे और आधा किलो आलू के पैसे जो है वो अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। हालांकि उनके पास कैलकुलेटर आज के टाइम का नहीं है, बट वो कैलकुलेट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हाँ इन दोनों के पैसे मिला के हो गए, मान लो कि ये 30 रुपये का है और ये 40 रुपये का है, तो टोटल पैसे आपको कितने दिखाएंगे कैलकुलेटर में, 70। ये स्टोरी थी, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, प्यारी स्टोरी थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताई, ही। तो आपको पता है कि ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो कोड क्या है, सबसे पहले हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई हमें सॉल्व मी फर्स्ट नाम का फंक्शन बनाना है। तो ये सॉल्व मी फर्स्ट पता है क्या है, सॉल्व मी फर्स्ट यहाँ पे आप मान सकते हो ये है हमारे, अरे हाँ भाई यही कलर दे दो भाई मुझे, या तो सॉल्व मी फर्स्ट जो है वो हमारे कैशियर वाले भैया हैं। कैशियर वाले भैया का काम क्या है कि हमें उन वो सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ों को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ए और बी को। और ये रिटर्न क्या है, रिटर्न जो है वो ये वो कैलकुलेटर है जो कि कैलकुलेट करेगा ए और बी की जो भी कॉस्ट है उन दोनों को। ये ए जो है वो हमारा आलू है, बी जो है वो टमाटर है, इन दोनों की जो टोटल अमाउंट है उनको यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा। ए क्या है, हमारा इनपुट, ए को आप हमारा आलू था बेसिकली, तो ए जो है वो आलू है, और इज इक्वल टू इंट इनपुट का मतलब ये है कि ए की जो भी अमाउंट है वो सिर्फ इंटीजर ही होनी चाहिए, समझ रहे हो, सिर्फ इंटीजर ही अमाउंट होनी चाहिए। तो जो भी आप अमाउंट दोगे, 30 लिखोगे, तो ये इंट फंक्शन जो है ना वो उस 30 को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। टमाटर क्या है हमारे, बी, बी की हम जो भी अमाउंट डालेंगे वो यहाँ पे जाएगा, मतलब हमने यहाँ पे 30 डाला है, 30 बाय डिफॉल्ट हमारे पाइथन के अंदर स्ट्रिंग टाइप में जाएगा, बट जो इंट फंक्शन है वो इसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देगा। सेम हमारा ये जो जो है बी जो है आलू, वो हमारा 40 रुपये का स्ट्रिंग टाइप में जाएगा, बट ये 40 में कन्वर्ट कर देगा। रिजल्ट जो है वो ये जो भी अमाउंट स्टोर होके आएगा वो हमारा रिजल्ट में शो होगा। और प्रिंट क्या है, प्रिंट को आप यहाँ पे कैलकुलेटर समझ सकते हो, जो कि कैलकुलेटर की डिस्प्ले समझ सकते हो बेसिकली, जो कि हमें कैशियर वाले भैया दिखाएंगे कि आपका इतने रुपए का सामान हो गया है। तो ये कोड है बेसिकली जो कि यहाँ पे काम करेगा, बहुत ही सिंपल कोड है, ठीक है। अब यहाँ मेन क्वेश्चन आता है कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, मतलब कंट्रोल फ्लो कैसे होगा, अगर मैं ये कोड लिखूंगा तो हमारी पाइथन जो है वो बैकग्राउंड में इसे कैसे एग्जीक्यूट करेगी, मेन क्वेश्चन। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो पाइथन है वो इसे एग्जीक्यूट करेगा सॉल्व मी फर्स्ट को, तो ये नंबर 1 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद ये ए और बी को एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे, उस तो ए क्या है, तो सबसे पहले वो इसको लेगा तो ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, और बी को लेगा तो ये तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद ये लेने के बाद ये वापस कहाँ जाएगा, ये जाएगा वापस यहाँ पे, ये फिर ये होगी हमारी चौथी लाइन,
ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी। इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमने किस में स्टोर करानी है, रिजल्ट में। तो ये कौन सी होगी, पांचवी लाइन, ठीक है। उसके बाद पांचवी लाइन के बाद ही हमारी होगी सबसे लास्ट लाइन। तो ये ऐसे काम करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट, सिक्स्थ स्टेटमेंट। तो इस तरीके से काम करेगा, बहुत ही सिंपल था। अब आप ये सोचोगे भाई मैंने कोड लिख दिया है, क्या ये सच में काम कर रहा है? तो आप देख सकते हैं कि अपना कोड काम कर रहा है। एंड लेट मी सबमिट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना कोड सबमिट हो चुका है। और कितने पॉइंट्स मिले हैं? सिर्फ एक पॉइंट मिला है अपने को, बहुत ही बढ़िया। चलो कोई नहीं, मेन बात थी हमें ये कोड समझ रहा था वो हमें समझ आ गया, बट आई हेट यू।